नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद नामदेव में। मैं हूं नीरज गहलोत नामदेव और आज के इस वीडियो में मैं आपको मिशन इंद्रधनुष के ऊपर एक ऐसे डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस ऐसे को। तो सबसे पहले इसमें मिशन इंद्रधनुष के बारे में अपन बात करेंगे। उसके अलावा अभी जो अक्टूबर 2017 में मिशन इंद्रधनुष का नाम चेंज करके सघन मिशन इंद्रधनुष कर दिया गया है, वो भी अपन इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में अपने को लिखना है, मिशन इंद्रधनुष अभियान एक संपूर्ण टीकाकरण अभियान है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं व 2 साल तक के बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए आवश्यक टीकाकरण करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को की गई। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत इतना बढ़िया काम किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समीक्षा बैठक में इस योजना के 90% कवरेज का लक्ष्य पूरा करने की अंतिम सीमा 2020 से घटाकर 2018 कर दी गई। मतलब जब ये 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, उसका उद्देश्य 2020 तक 90% बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये मतलब 2018 तक कंप्लीट हो जाएगा ऐसा सरकार को लग रहा है। मतलब बढ़िया परिणाम दिए इस मिशन ने, इस वजह से इसका 2020 तक नहीं 2018 तक ही सरकार कंप्लीट कर लेगी, वापस डेट चेंज की इसकी। मिशन इंद्रधनुष अभियान के 4 चरणों में पूरे भारत में 2.55 करोड़ बच्चों, 68.7 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें मृत्यु दर व बीमारियों में बड़ी कमी आई है। शुरुआती स्तर में इसमें मुख्यतः 7 बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी, टीटेनस, पोलियो, क्षय रोग, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियों के नाम आपको ध्यान रखना है, से सुरक्षा व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 7 टीकों की व्यवस्था की थी, लेकिन समय के साथ साथ जरूरत के हिसाब से इन टीकों की संख्या बढ़ा दी गई है और वर्तमान में 12 टीके हैं। ठीक है, पहले 7 टीके थे और फिर 5 और जोड़ दिए गए, वर्तमान में 12 टीके इसमें लगाए जाते हैं इस मिशन के तहत। फिर इसको थोड़ा डिटेल में और बताना है अपने को, हर एक बच्चे को टीकाकरण के लिए भारत सरकार ने 1985 से संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम UIP यानी कि यूनिफॉर्म इम्यूनाइजेशन और प्रोग्राम, यूनिफॉर्म इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता आ रहा है। मतलब 1985 से ही एक संपूर्ण टीकाकरण प्रोग्राम चलता आ रहा है और सरकार ने 2014 में इसी अभियान के तहत मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया था। ठीक है, क्योंकि ये ढंग से काम नहीं कर रहा था संपूर्ण टीकाकरण कारण बहुत पुराना था, 1985 से चला आ रहा है, इसलिए मिशन इंद्रधनुष शुरू करने की जरूरत थी सरकार को, इसलिए किया। मगर इसमें मात्र 65% लाभार्थियों को ही लाभ पहुंच पाया। मतलब ये जो पुराना कार्यक्रम था ना संपूर्ण टीकाकरण, उसमें मात्र 65% को ही लाभ मिल पाया था। अतः 2014 की नई सरकार ने इसके तहत ही नया अभियान मिशन इंद्रधनुष चलाकर 90% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा, वो भी तय सीमा से पहले। अभी बताया था मैंने 2020 में कंप्लीट करना था, लेकिन सरकार 2018 तक कंप्लीट कर लेगी, तो ये एक तरह से तय सीमा से पहले और 65 से सीधा 90% कवर कर रहा है ये नया मिशन इंद्रधनुष अभियान, जबकि पुराना कार्यक्रम 65% ही कर रहा था। ठीक है, वही पहले जहां पुराने कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि हो रही थी, जबकि नए मिशन में टीकाकरण कवरेज में सालाना 6.7% वृद्धि दर्ज की गई। ये आपको रेट ध्यान रखनी है, जो पुराना भी बताया था संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम 1985 से जो चला आ रहा है उसमें मात्र 1% की वृद्धि थी, हर साल कवरेज बढ़ रहा था, मात्र 1% को ज़्यादा दे रहा था, लेकिन इसमें 6.7% एरिया ज़्यादा कवर कर रहा था हर साल मिशन इंद्रधनुष के तहत, ये चीज़ अपने को लिखनी है। फिर पैराग्राफ चेंज करके अपने को लिखना है, देश के 528 जिलों को कवर करते हुए मिशन ने अगस्त 2017 तक अपने सफल 4 चरण पूर्ण किए, और उसके पश्चात भी जो बच्चे व गर्भवती महिला इस मिशन की पहुंच से छूट गए, इसके लिए सरकार ने सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू किया। इसमें मैंने बताया
कि सरकार ने जो 2014 से अभी जो मिशन इंद्रधनुष चलाया था जिसमें 90% कवर किया, उसमें जो 10% छूट रहे थे तो उस 10% को भी मतलब अगस्त 2017 तक तो 90% कवर कर चुका था चार चरणों में। इसके अलावा जो बाकी रह गया 10% उसको भी कवर करने के लिए अब सरकार ने सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया। ठीक है, तो सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के बारे में आगे देखते हैं अपन, जिसकी शुरुआत किसकी, सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत अक्टूबर 2017 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा गुजरात से की जा चुकी है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी खत्म हो गया था अगस्त 2017 में, उसके बाद अक्टूबर में सघन मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया जिसमें वांछित स्थान को कवर करते हुए 2018 तक 90% से अधिक, देखो वर्ड्स पे ध्यान रखना, उसमें तो मात्र 90% था मिशन इंद्रधनुष में, अब 90% से भी ज़्यादा सघन मिशन इंद्रधनुष में किया जा रहा है कवर एरिया, मतलब 100 में से 100% बच्चों को सारी टीकाकरण और सारी फैसिलिटी दी जा रही है। इसमें 90% से अधिक कवरेज हासिल करने का लक्ष्य रखा गया किसमें, सघन मिशन इंद्रधनुष में। उसके बाद अपने को कॉन्क्लूजन पार्ट लिखना है, बच्चे राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति है और कल की एकमात्र उम्मीद है, ऐसे में बच्चे के जीवन व जन्म देने वाली माताओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक अभियान अच्छा साबित हुआ जो भारत सरकार को सशक्त राष्ट्र निर्माण बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई है कि बच्चों और उनकी जन्म देने वाली माताओं ने को जो सरकार ये दे रही है सुविधा, इससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।